if a equal to 2 minus 1 3 1 0 0 3 2 6 ये मैट्रिक्स होगा, देन फाइंड डिटर्मिनेंट। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए सेम एलिमेंट्स का साइन मेंशन करिए आप लोग, प्लस माइनस प्लस। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, मैं आप लोग को बार बार पूरे सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, कोसा भी एक सिंबल यूज़ कर लूँगा मैं, आप लोग चाहे तो कोसा भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं तीनों में से। तो कैसा रहेगा देखिए, टू मॉड, मैं पूरे लिख लूँगा एक साथ पहले, सेकेंड का होता है माइनस और पहले से ही माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, वन मॉड, फिर उसके बाद प्लस थ्री हो गया है मॉड उसके बाद। तो एलिमेंट्स को लिखेंगे हम लोग, किस तरह से लिखेंगे एलिमेंट को देखिए, टू के डायरेक्शन से रो और कॉलम निकाले बाद क्या बच रहा है देखिए, एलिमेंट्स जीरो जीरो टू सिक्स, फिर माइनस वन के डायरेक्शन से रो और कॉलम निकाले बाद क्या बच रहा है देखिए, वन जीरो थ्री सिक्स, फिर थ्री के डायरेक्शन से देखिए रो और कॉलम निकाले बाद क्या बच रहा है, वन जीरो थ्री टू, वन जीरो थ्री टू। अब ये हो गया है, अब सेम हम लोग इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी माइनस बी सी, तो टू इंटू ए डी क्या रहा है हमें, जीरो सिक्स ज़ीरो फॉर्मूले का माइनस टू इंटू जीरो जीरो, इसके बाद प्लस वन इंटू सिक्स वन ज़ा सिक्स फॉर्मूले का माइनस जीरो इंटू थ्री जीरो, ये हो चुका है। फिर नेक्स्ट प्लस थ्री इंटू ए डी माइनस बी सी, वन टू ज़ा टू फॉर्मूले का माइनस जीरो इंटू थ्री जीरो, ये हो चुका है। तो अभी इससे मल्टीप्लाई करिए आप लोग, मल्टीप्लाई करे बाद क्या आता है बोले मुझे आंसर, इसको सॉल्व करिए पहले। तो इसके बाद लिखेंगे हम लोग, किस तरह से लिखेंगे देखिए, ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो, सिक्स माइनस ज़ीरो सिक्स ही होता है, सिक्स वन ज़ा सिक्स, फिर उसके बाद क्या रहा है देखिए, टू माइनस ज़ीरो टू होता है, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस सिक्स, तो आंसर में क्या रहा है देखिए, ट्वेल्व आ रहा है, यानी कि ज़ीरो नहीं आ रहा है हमें। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स ज़ीरो ही आना बोलकर, मैं आप लोगों को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हमें क्या रहा है देखिए वैल्यू, इफ़ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू, क्या डेल्टा का वैल्यू हमें ट्वेल्व आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर स्टडी करते हैं, और हुआ तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टडी वेल एंड टेक केयर।